बेसन के लड्डू आपने आज से पहले बहुत बार बनाकर खाए होंगे, बट मेरी इस रेसिपी से आप एक बार गुड़ और बेसन के लड्डू ज़रूर बनाकर देखें। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इस रेसिपी में हमने चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे देसी घी। तो ये मैंने आधा कप घी लिया है। अगर आप इसे वेट से मेज़र करेंगे तो ये 100 ग्राम घी है। स्टार्टिंग में हम पूरा घी पैन के अंदर नहीं डालेंगे, 1 से 2 चम्मच घी बचा लेंगे जिसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बाद में यूज़ करेंगे। घी को एक बार अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। अगर आप वेट से मेज़र करेंगे तो ये 125 ग्राम बेसन है। अभी इस पूरे बेसन को घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें, जब भी आप बेसन को भून रहे हैं तब गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखें। अगर आप तेज आंच पर भूनेंगे तो बेसन जल्दी से जल जाएगा और इसका कच्चापन दूर नहीं होगा। जब आप स्टार्टिंग में बेसन को घी में मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे बेसन जो है वो बहुत ही जल्दी घी को सोख लेगा, बट अभी आपको घी और इसके अंदर नहीं डालना है। जैसे जैसे बेसन हल्का सा गर्म होने लगेगा ये घी को हल्का सा रिलीज़ करने लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ इस बेसन को मैंने लगातार चलाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट तक भूना है। 10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे बेसन में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बेसन को हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब बेसन हल्का सा ठंडा होने लगे इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कप जितने तिल डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालें। तिल को आपको अलग से नहीं भूनना है, बेसन हल्का गर्म है, इसी के साथ तिल आसानी से भून जाएंगे। लड्डुओं को हल्का फ्लेवर और खुशबू देने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालूंगी, जो कि टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज बिना इलायची पाउडर के भी इसे बना सकती हैं। तो बेसन का मिक्सचर तैयार है, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप जितना गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अगर आप वेट से मेज़र करेंगे तो ये 250 ग्राम जितना गुड़ है, यानी जितना आपने बेसन लिया है उससे जस्ट डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ पर गुड़ लेना है। और इस गुड़ को मेल्ट करने के लिए लगभग 2 से 3 चम्मच इतना पानी डालेंगे और इस गुड़ को एकदम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मेरा गुड़ काफ़ी सॉफ्ट है, अगर आपके पास इस तरीके का सॉफ्ट गुड़ नहीं है तो गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट करके यूज़ करें। इससे गुड़ को मेल्ट होने में टाइम कम लगेगा और नीचे गुड़ कैरमलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पूरा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इस गुड़ को मैंने लगभग 4 से 5 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पका लिया है। अभी इस गुड़ की चाशनी को चेक करेंगे। तो एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें 1 से 2 ड्रॉप गुड़ की चाशनी की डालेंगे। इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और इस स्टेज पर गुड़ की चाशनी को चलाते रहेंगे। हमें इसे इतना पकाना है जब पानी में जाने के बाद गुड़ की चाशनी कुछ इस तरीके से टूटने लगे, यानी ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी चाशनी पानी में जाने के बाद हल्की से सॉफ्ट रह रही है, यानी अभी अब परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा टाइम तक इसे और भुने जब तक कुछ इस तरीके से टूटने ना लगे। बस हमारी गुड़ की चाशनी तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हमने जो पहले बेसन और तिल का मिक्सचर तैयार किया था उसे इस गुड़ की चाशनी में डालेंगे। इस दोनों मिक्सचरों को डालकर इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे जब तक ये एकदम टाइट ना हो जाए। इस स्टेज पर थोड़ा सा कैमरा ऑफ होने की वजह से मैं इसे नहीं दिखा पा रही हूँ, तो बस इस मिक्सचर को आपको मिक्स करके ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अब इस पूरे मिक्सचर को हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। जार में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से जब आप गुड़ और बेसन के लड्डू बनाएंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और इस तरीके से बनाई गई चाशनी दांतों में चिपकेगी भी नहीं और एकदम परफेक्ट लगेगी। तो बस यहाँ मैंने पूरा एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी खरबूजे की मिकी डाल देंगे, अगर है तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। डालकर हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पर लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। अगर आपको लगे कि लड्डू अच्छी तरह से नहीं बन रहे हैं, खुल रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में 1 चम्मच घी हमने बचाया था ना, अब वो डाल दें, उससे आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे।
मेरे तो घी की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है, तो मैं इसमें और घी नहीं डालूंगी। तो बस इस तरीके से यहाँ हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके ये सॉफ्ट गुड़ और बेसन के लड्डू ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो रेसिपी कैसी लगी? तो एक बार फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।